बरकत। कि बरकत का कंसेप्ट क्या है? आज बहुत सारे लोग जो है ना दुनिया के अंदर बरकत के कंसेप्ट को भूल गए हैं। हर चीज सिर्फ नंबर्स में होती है, नंबर्स जो होती है वो जाहिर होती है, बरकत एक बातिन चीज है, छुपी हुई चीज है। बरकत लफ्ज बिरका से आता है, बिरका वो पॉन्ड को कहते हैं जिसमें बहुत सारा पानी हो। तो बरकत के अंदर मतलब ये है कि कम में ज्यादा का फायदा, कम में ज्यादा का बेनिफिट। ये क्या है? देखिए एक बात समझें, और हम सब ये दुनिया के अंदर अपने तजुर्बों से जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पैसे थोड़े हाथ में होते हैं लेकिन ज्यादा काम हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, कहां गए समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि बरकत का कंसेप्ट ये है कम में ज्यादा का फायदा। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलबायानी बिल खियार, बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार है, मालम या तफरका, जब तक दोनों अलग ना हो जाए। फ़ैन सदका वसलहा, अगर सच कहेंगे एक दूसरे का भला चाहेंगे, बोरिका लहुमा फी बैईहिमा, तो उनकी उस तिजारत में बरकत आ जाएगी। बरकत कैसे आती है? सच्चाई से आती है, अमानतदारी से आती है, सही चीज करने से आती है, गलत रास्ता लेने से बरकत नहीं आती है। तो बरकत का कंसेप्ट क्या है कि कम के अंदर ज्यादा का फायदा। देखिए एक मिसाल मैं बताता हूँ, हम पुराने बूढ़े लोगों से सुनते हैं जो वो बताते हैं कि हमारे ज़माने में तो हम लोग इतना कमाते थे और पूरा घर खाता था, आज इतना इतना कमाते हैं फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो ये इन्फ्लेशन की वजह तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक वजह हमें ये भी दिखाई देती है कि उस ज़माने में हराम चीज़ें इतनी आम नहीं होती थी, आज जिस तरह से होने लगी है। तो बरकत का कंसेप्ट उस ज़माने के लोगों की अर्निंग्स में बरकत थोड़ी ज़्यादा हुआ करती होगी, एक बात दिख रही है बाज़ार, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मेरे ब्रदर्स इन इस्लाम, ये बरकत का भी कंसेप्ट है कि कैसे चीज़ें पूरी हो जाए, कम में ज़्यादा का बेनिफिट हो। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि जैसे एक गाड़ी है जो रोड से ऑफ ट्रैक हो गई, अब बाहर रोड से हट गई, डिच में चली गई, बाहर रोड से साइड पे उतर आई, अब 10 लोग जाके खींच रहे, गाड़ी आ ही नहीं रही रोड पर। दो पहलवान आते हैं गाड़ी को उठा करके रोड पर रख देते हैं, तो हम कहेंगे कि दो बेटर रहे कि 10 बेटर रहे? दो बेटर है, कम में ज्यादा का फायदा। यह है बरकत का कंसेप्ट। और बरकत कैसे मिलेगी? हलाल कमाई से मिलेगी, हराम चीजें करके बरकत नहीं मिलने वाली।